हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो हर रोज की तरह मैं आज भी करंट फीलिंग का रीडिंग लेकर आई हूँ। रीडिंग टाइमलेस है गाइस, जब भी और जिस भी दिन आपके सामने आ रहा है आप देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। सिंगल मैरिड अनमैरिड डिवोर्स वीडियो सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और जो नंबर आ रहा है ये मेरा पर्सनल रीडिंग के नंबर है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डेफिनेटली इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। और यस, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, पेमेंट करके बुक करना होता है। सो नंबर को आप रख सकते हैं ताकि जरूरत पे आपको ढूंढना ना पड़े। चलिए देरी ना करके देख लेते हैं आपकी एनर्जी कैसा है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी जिस भी दिन आपके सामने आ रहे हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी पर्सन है उसकी एनर्जी पिक होगा। सो चलिए पहले देख लेते हैं आपकी एनर्जी कैसा है। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जो लोग भी देख रहे हैं और जिस भी दिन देख रहे हैं उस दिन उस टाइम पे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसा है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसा है, क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसा है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। ओके, साइन यहाँ पर है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एरिस लियो सजिटेरियस, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ये साइन निकल कर आए हैं। सो आज के दिन में आप अपने काम में बिजी रहेंगे, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करेंगे और बहुत ज़्यादा फोकस आप अपने काम में देने वाले हैं। और कई बार आपको लगेगा कि आप जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको मेहनत के हिसाब से रिजल्ट नहीं दिख रहा है। सो जो लोग वर्क ओरिएंटेड है उनकी एनर्जी तो ऐसा है। और कुछ लोग ऐसे भी है जो अपनी लव लाइफ में 100% काम कर रहे हैं, जो भी गाइडेंस आपको रिसीव हो रहा है, जैसे जैसे करने के लिए आपको बोला जा रहा है वैसे ही आप कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा है। जितना आप काम कर रहे हैं मेहनत के हिसाब से रिजल्ट आपको दिख नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं और आपके सर पे हाथ हैं कि यानी कब तक आपको इस सिचुएशन से छुट्टी मिलेगा, यानी जो भी चीज़ें आपके लाइफ में स्टक है वहाँ से आप कब तक बाहर आ जाओगे, इस टाइप की एनर्जी है। शादी से रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ लोग परेशान हो सकता है कि आप किसी ऐसी मैरिज में है जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप बंधे हुए हैं, वहाँ पर खुश नहीं है, बस रिश्ता निभाना है इसीलिए है। या तो फिर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि आपके पर्सन किसी जगह पे बंधे हुए हैं और वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं लेकिन जो आप चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है, यानी हैप्पीनेस के हिसाब से या फिर हैप्पी फैमिली के हिसाब से जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आपके लाइफ में एक्चुअल हैप्पीनेस आपको मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो जिस वजह से आप काफ़ी सारे टैरोट रीडिंग को देखते हैं, गाइडेंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर टाइम हो सकता है कि आप टैरोट रीडिंग्स देखते हैं। ओके, तो इस टाइप की एनर्जी है। और साथ ही साथ आपके अंदर स्पिरिचुअल जो भावनाएं हैं वो बढ़ रहा है, आपका इंट्यूशन थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है पहले से ज़्यादा, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं और ज़्यादातर लोग जो टैरोट रीडिंग देखते भी हैं धीरे धीरे करके उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ होता भी है, तो इस टाइप की एनर्जी है। और मेरे व्यूअर्स, कुछ लोग जो सिंगल हो सकते हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि आप शादी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और आप अपने करियर में फोकस कर रहे हैं लेकिन बैलेंस होने की कोशिश करते हैं, फिर भी आपको कई बार डिप्रेशन आ जाते हैं, एनजाइटी होते हैं, या फिर लगता है कि आप इस सिचुएशन में अटके हुए हैं, कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है। जितना आप अपने काम कर रहे हो उसके हिसाब से आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, या फिर रिलेशनशिप में भी आपको जितना वेट करना चाहिए था, जितना काम करना चाहिए था उससे ज़्यादा आपने किए हैं। आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किए हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए, लेकिन जितना आपको लग रहा है कि होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, आपकी इंतज़ार के हिसाब से या फिर आपके काम के हिसाब से जितना होना चाहिए नहीं हो रहा है। सो हो सकता है ये आपकी एनर्जी सो अगर रेजोनेट हुआ है डेफिनेटली कमेंट में बताना। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी कैसा है आज के दिन में। अगर एनर्जी रेजोनेट किया है आपसे तो भी आप देख सकते हो, नहीं भी किया है तो भी आप देख सकते हैं, ताकि क्योंकि मैं बहुत यूज तो नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा ही मैंने देखा है आपकी एनर्जी।
आपकी एनर्जी मैच अगर नहीं भी किया है तो भी आप देखें, हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी में ही आपको रेजोनेट हो जाए कुछ चीजें। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी कैसा है आज के दिन में। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। प्लीज एंजल गाइड करें, गिव मी कार्ड्स। बहुत सारे हैं, ओके। देखिए कार्ड वापस आ गए हैं। मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की करंट एनर्जी, करंट एनर्जी। लॉसेस का सामना करना पड़ा है। माय गॉड, जिस कार्ड को मैं रख दे रही हूँ मुझे लग रहा है कि ऐसे ही गिर गए हैं मेरे से, क्योंकि ये कार्ड आना चाह रहे थे और ये डेक इतना स्लिपरी नहीं है, सफल करने से आसानी से नहीं आता है कार्ड्स, तो जिस वजह से कई बार बहुत सारे कार्ड्स आ जाते हैं, एक कार्ड को बाहर आना होता है और वो कार्ड जहाँ पर भी है उनके साथ बहुत सारे कार्ड्स गिर जाते हैं, क्योंकि एंजल समझाना चाहते हैं कि वहाँ पर उस कार्ड में ही मैसेज है आपके लिए, इसीलिए। ओके चलिए देख लेते हैं यहाँ पर साइन जो आए हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रांग है, उसके बाद आया है कैंसर, मेजर साइन, मेजर और गाना से। तो आज के दिन की सिचुएशन की अगर बात किया जाए तो आपके पर्सन की घर में या फिर आपके पर्सन का हेल्थ इशू है, जैसे कि काल की एनर्जी इसमें भी निकल कर आए थे, और आपके पर्सन काफ़ी हार्ट ब्रोकन नजर आ रहे हैं। ओके, जैसे कि बहुत दुख तकलीफ से गुजर रहे आपके पर्सन, कोई धोखा दे दिए हैं, या फिर यहाँ पर मिसिंग एनर्जी हो सकते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन से, अलग सिचुएशन से आपके पर्सन को टिगर मिल रहा है, वो लोग उनको कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, उनकी बातों से, बिहेवियर से आपको, आपके पर्सन को कुछ ना कुछ ऐसा चोट पहुँच रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन को आपकी यादें आ रही है कि आप कितने अच्छे इंसान थे, या फिर आप उनको कितना चाहते थे, कितना केयर करते थे, तो तब जाके वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करे इस टाइप की एनर्जी से, इसीलिए वो आपकी तरफ वापस आ जाना चाहते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, डायरेक्शन की एनर्जी है, न्यू डायरेक्शन की एनर्जी है। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, तभी जो है आपकी तरफ वापस आने के डिसीजन वो ले चुके हैं, वापस आ रहे हैं। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी इसमें है, और ये कार्ड ब्रेकअप सिचुएशन को भी दिखाते हैं। तो अगर नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप सिचुएशन है, तो आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, कभी भी वो बैठते हैं कहीं पे और उनको अचानक से आपकी बहुत ज़्यादा याद आने लगते हैं, वो आपकी ख्यालों में खोए रहते हैं, आपकी मेमोरी को बहुत याद करते हैं। होता है ना कई बार हम लोग भी जब बैठते हैं शाम के टाइम पे या फिर टी टाइम पे, अकेले ही बैठे हैं उस टाइम पे आपको ख्याल आ जाते हैं कुछ चीज़ों का, पास्ट की या फिर जो भी बहुत सॉफ्ट मेमोरी होते हैं हमारे, तो वो आ जाते हैं। तो उस टाइप की वाइब्रेशन में फिलहाल आपके पर्सन हैं और आपको उन्होंने खो दिया है, उनको लगता है कि उन्होंने आपको खो चुके हैं, लेकिन अभी खुद के दिल में वो आपके लिए प्यार महसूस कर रहे हैं, राइट। सो उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने सही टाइम पर समझ नहीं पाया आपके प्यार को, या फिर उनके अंदर जो आपके लिए प्यार है उनको वो रियलाइज नहीं कर पाए, तो इसीलिए वो अभी आपके तरफ छोटा सा एक जेस्चर करना चाहते हैं। ठीक है, पहले एक छोटा सा मैसेज भेजना चाहते हैं और बातों की शुरुआत करना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। बाकी वो अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, ठीक है, जैसे कि चारों तरफ से उनके लाइफ में लॉसेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे कि पास्ट में मेरे पास इतने सारे चीज़ें थे, अभी नहीं है, ठीक है, वो चीज़ें ख़त्म हो गए हैं, चले गए हैं, इस टाइप की एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी अपसेट है उनको, उनके घर में, उनके रूम में, या फिर जो भी उनका कंफर्टेबल जोन है वहाँ पर भी दिल नहीं लग रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी यहाँ पर कुछ लोग के लिए उनके फैमिली वाले हो सकते हैं, मदर फिगर हो सकते हैं, कोई अदर लव्ड वन हो सकते हैं, हस्बैंड या फिर वाइफ हो सकते हैं, तो इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो सिचुएशन से
इस सिचुएशन से वो बाहर आना चाहते हैं, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन से। इमोशनली वहाँ पर अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। और कई बार अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके हस्बैंड या फिर वाइफ आप दोनों की फैमिली के बारे में, आपके बारे में, आपकी चाइल्ड के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं, मिस कर रहे हैं पास्ट के मेमोरी को याद करके, ठीक है। तो ये एनर्जी है। तो एक कार्ड को मैं क्लैरिफाई यहाँ पर करूँगी, हार्ट ब्रोकन क्यों है, प्लीज इनसे गाइड करें। लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की एनर्जी है, और आपके पर्सन जो है सब कुछ छोड़ के आपके तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। और आपको बहुत ज़्यादा मिस करें, मैंने जैसे कहा आपको कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जिसकी वजह से उनका हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, और उसके बाद ही उनको जो है आपकी यादें आ जाते हैं कि आप कितने अच्छे थे, कितने प्यारी थे, ठीक है। और उनको हर टाइम आपने सपोर्ट किया, अनकंडीशनल लव किए, तो उनको रियलाइजेशन है। और टावर का कार्ड है, यहाँ पर कोई ना कोई टावर मोमेंट को आपके पर्सन फेस कर रहे हैं राइट नाउ। ब्रेकअप सिचुएशन का क्या होगा, फोर ऑफ सोर्स की कार्ड क्यों आए हैं, फोर ऑफ सोर्स, आपके पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आए। हो सकता है इन दिनों वो अपने फ्रेंड्स या फिर कॉलिग के साथ भी आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में बातचीत करते हैं, वो आपके तरफ एक न्यू ऑफर लेके आना चाहते हैं। देखिए यहाँ से भी न्यू बिगिनिंग की एनर्जी था, और ये तीनों कार्ड जो है न्यू बिगिनिंग को दिखा रहे हैं, तो एक साइकिल को एंड करना चाहते हैं। वर्ल्ड कार्ड आया है, तो डेफिनेटली एक साइकिल को एंड करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। चैरियट का कार्ड क्यों आया है, एंजल, सेवन ऑफ सोर्स, सेवन सेवन की एनर्जी, एक डिसीजन ले रहे हैं किसी सिचुएशन से बाहर आने का, या फिर पूरी तरीके से कोई सिचुएशन को ख़त्म कर देने का, ठीक है। तो जहाँ पर भी टावर मूवमेंट चल रहा है उस सिचुएशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं। कहाँ पर टावर आए हुए हैं, प्लीज इनसे गाइड करें। फैमिली में, राइट, तो उनके फैमिली में टावर मूवमेंट चल रहा है जिसकी वजह से काफ़ी अपसेट है, आपके पर्सन हैंग्ड है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि वो अपने घर से, अपने रूम से बाहर नहीं जा रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी है। तो डेफिनेटली सेम एनर्जी अपनी बेड पे लेटे हुए हैं, दिन भर कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, उनके मोबाइल कहीं पड़े हैं और चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं है। कई बार वो आपको स्पाई कर लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं आपके लाइफ में क्या हो रहा है जहाँ से पॉसिबल है। देखिए विंडो से लेडी जो है आ रही है किसी के रूम में, राइट, तो यहाँ पर वो ताक झाक करते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, जैसे भी पॉसिबल हो। उसके बाद या तो वो रीच आउट करने के बारे में सोचते हैं, या तो फिर वो खुद को फिर से अपनी एनर्जी में वापस चले जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आप भी पॉजिटिव एनर्जी में रहो, आप इतना अपनी लाइफ में ग्रो करो कि देखते ही वो आपके तरफ आ जाए, ठीक है, देखते ही वो और ज़्यादा आपके लिए क्रेविंग फील करे और आपको रीच आउट करे। तो कुछ लोग के पर्सन साडनली कॉल मैसेजेस करेंगे, जैसे कि मैंने अभी दिखाया कि विंडो से वो आ रहे हैं, तो उस तरीके से वो नाइट की एनर्जी होते हैं और सबसे फास्ट मूविंग एनर्जी होते हैं और काफ़ी पैशनेट एनर्जी होते हैं। तो हो सकता है कुछ लोग के पर्सन रीच आउट कर ले नाइट के टाइम पे, ठीक है, रातों के टाइम पे रीच आउट कर सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में कैंडल था, और कुछ लोग के पर्सन मिलने आ सकते हैं, मिलने बुला सकते हैं, आपके शहर आ सकते हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड था, प्लीज एंजल गाइड करें यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। एक कार्ड आया है यहाँ पर, देखिए फोर ऑफ सोर्स, फिर से सेम कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ब्रेकअप सिचुएशन अगर है या फिर लेस कॉन्टैक्ट में है, बातचीत नहीं हो रहा है, तो आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए फाइट करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर चुके हैं, ठीक है। फोर ऑफ कप्स, यहाँ पर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको दूर से देखते हैं लेकिन आपका जो ऑफर है वो ले नहीं पा रहे हैं, आपको अपने लाइफ में पूरी तरीके से लेके नहीं जा पा रहे, इसीलिए टेन ऑफ सोर्स कुछ सिचुएशन को पूरी तरीके से एंड कर देना चाह रहे। कौन सी सिचुएशन को एंड करेंगे, जहाँ पर वो स्टक है, अटके हुए हैं, ठीक है, तो खुद की इंट्यूशन को वो फॉलो कर रहे हैं और वो किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हैं,
इसीलिए कई बार वो खुद की तरफ से स्टेप लेना नहीं चाह रहे हैं। साथ ही साथ इनके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ इशू इस टाइप की एनर्जी है, या फिर मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस टाइप की एनर्जी है। इसीलिए आपके पर्सन चाहते हैं कि उनके लाइफ में एनफ मानी आ जाए और सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठा ले और साथ ही साथ वो मतलब इंडिपेंडेंट होके कुछ पावरफुल डिसीजन यहाँ पर ले। सो पेंटिकल का कार्ड फिर से यहाँ पर आए। तो अगर ब्रेकअप सिचुएशन है या फिर आपके पर्सन लेस कांटेक्ट में भी है और थर्ड पार्टी बहुत बड़ा यहाँ पर अगर ऑब्स्टिकल्स है, या फिर बहुत ही थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग यहाँ पर अगर है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन के लिए मानी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे इस टाइम पे। अगर पैसा नहीं है तो वो आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे, इसीलिए वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो खुद की फाइनेंस को सिक्योर करे, उसके बाद वो आपकी तरफ आए। और ब्रेकअप सिचुएशन है तो डेफिनेटली वो आपको याद कर रहे हैं, और जब भी आप रीडिंग देख रहे हो गाइस, बारिश होने की चांसेस है, मेरे यहाँ तो हो रहे हैं और आपके घर के आसपास बारिश होने के चांसेस है, या फिर आपके पर्सन के घर के आसपास। लेकिन एक दिन के बाद यहाँ पर जो है बहुत अच्छा वेदर हो जाएंगे, ऐसा कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो हो सकता है जिस दिन आप देख रहे हो उस दिन बारिश वगैरह हो, या फिर हो रहा था पास्ट के दिन में, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक दिन बाद, 24 आवर्स बाद मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत अच्छा यहाँ पर वेदर होने वाले, जैसे नॉर्मल वेदर होते हैं। प्लीज इनसे गाइड करें यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे मेरे व्यूअर्स के लव वन, मेरे व्यूअर्स के तरफ। ओके, रेडी टू फाइट वाली एनर्जी में है, जैसे मैं बोल रही हूँ बार बार आपको। पेज ऑफ वैंस, ओके, पेज ऑफ वैंस, एस ऑफ वैंस, मुझे लग रहा है कि दो एक कार्ड सेम कार्ड आ गए हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। ओके, तो यहाँ पर आपके पर्सन काफी रोमांटिक एनर्जी में वापस आते हुए नजर आएंगे आपको, ठीक है। काफी फिजिकली याद करने वाले, यानी बहुत ज्यादा उनको क्रेविंग होगा आपसे बात करना, आपको देखना, ठीक है, आपसे मिलने आना, इस टाइप की एनर्जी है। बैंस की एनर्जी है, काफी फायरी नेचर की होगा, और साथ ही साथ काफी रोमांटिक एनर्जी में वो आपके साथ बात करना चाहेंगे। हैप्पी फैमिली की एनर्जी है, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं डेफिनेटली आपके पर्सन, लॉन्ग टर्म रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। फैमिली में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े की एनर्जी है, लेकिन इस वक्त आपके पर्सन साइलेंट नहीं रहेंगे, फाइट करेंगे, जम के फाइट करेंगे। यहाँ पर फाइटिंग की एनर्जी बार बार आ रहे हैं। यहाँ पर जो कार्ड आया था यहाँ पर भी सेम कार्ड आ चुके हैं, और कुछ सिचुएशन को एंड कर देना चाहते हैं, कंफ्यूजन को, या फिर जिन भी सिचुएशन में वो दो राहे पे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, एक सिचुएशन को डेफिनेटली एंड करेंगे। यहाँ पर भी टेन ऑफ सोर्स, यहाँ पर भी टेन ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, दोनों अलग अलग डेक से। तो इंतजार यहाँ पर खत्म करने वाले हैं, आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से, ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पर शादी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा डिसीजन होगा, और आपके पर्सन इंडिपेंडेंट होके डिसीजन लेंगे। जैसे हमने कहा सेम टू सेम कार्ड, सारे कार्ड वापस आ गए, जो जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं सेम कार्ड्स यहाँ पर भी आ गए हैं। तो आने वाले 9 डेज के अंदर आपके पर्सन एक पावरफुल डिसीजन लेंगे और आपकी तरफ वापस आते हुए, माई गॉड माई गॉड, देखिए बॉटम से तीनों ही कार्ड जो हैं हॉर्स की एनर्जी आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों कार्ड्स में से हॉर्स हैं। तो बहुत क्विकली आपके पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, बहुत एक्शन ओरिएंटेड है आपके पर्सन। 9 बजे तक यहाँ पर कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, 9 आवर्स के अंदर कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, कुछ लोगों का विश फुलफिलमेंट हो ही जाएगा 9 आवर्स टू 9 बजे तक, इस टाइप की मुझे एनर्जीज रिसीव हो रहे हैं। और एक कार्ड को छोड़ के यहाँ पर फिर से 8 ऑफ वैम्स की एनर्जी है, कम्युनिकेशन रिसीव होने वाले हैं, और कुछ उनके घर से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको दे सकते हैं, और काफ़ी सारे लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन एंड होगा, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन एंड होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्या बातचीत हो सकता है, क्या न्यूज़ दे सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन जगलिंग। ओके, थर्ड पार्टी से बाहर आ रहे हैं, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। दी ड्रीमर यानी फुल का कार्ड है, 0 का कार्ड है, और यहाँ पर भी देखिए बॉटम ऑफ द डेक में न्यू बिगनिंग है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और यहाँ पर दी ड्रीमर का कार्ड है। तो डेफिनेटली सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहे हैं, हैप्पीनेस वापस आ रहे हैं, और लक आपके फेवर में रहेगा, चेंजेस आएगा। ओके,
सो ये है आपके लिए रीडिंग, होप आपको अच्छा लगा है। चलिए देख लेते हैं कुछ गाइडेंस आपके लिए, इस टाइम पे आपको कौन सी गाइडेंस फॉलो करने की जरूरत है, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइडेंस क्या है, प्लीज एंसर गाइड करें राइट नाउ। ब्रेक थ्रू, आपके पर्सन ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हैं या तो फिर आप ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हो, लेकिन ये याद रखना ब्रेक थ्रू हो रहा है सही, लेकिन यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग भी आएगा आपके लिए। जैसे कि एक स्टार कैसे बनते हैं, दोनों प्लैनेट जब आपस में टकराते हैं तो वो टावर मोमेंट होता है, वो एक बुरी चीज़ हो रहा है। जब दोनों प्लैनेट आपस में टकरा रहे हैं वो टावर मोमेंट है यानी ब्रेक थ्रू है, उसके बाद ही एक स्टार बनता है, यानी उस प्लैनेट का जो छिलका निकल जाते हैं वहाँ से स्टार बनता है, वही स्टार होता है। तो डेफिनेटली जो भी ब्रेक थ्रू है वहाँ पर ही एक न्यू बिगिनिंग होगा, चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रहा है। डार्क साइड डोंट हाइड योरसेल्फ अवे, तो डेफिनेटली यहाँ पर अप्स एंड डाउन आता ही रहेगा आपके लाइफ में, कुछ चीज़ें अच्छा होगा कुछ चीज़ें बुरे होंगे। तो जो भी डार्क साइड है उसकी वजह से आप खुद को छुपा कर मत ले जाओ, ठीक है। मतलब जैसे कि आपके लाइफ में ये बुरा दिन चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, तो आप कोशिश नहीं कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, काम नहीं कर रहे हो अपनी लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, तो आप एफर्ट लगाना छोड़ दिए हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको मेहनत करते रहनी है, जैसे है ना कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो, टेक चार्ज। तो आपको एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए और कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए। डोंट वेट फॉर द स्टार टू अलाइन, रीच अप एंड अरेंज देम द वे यू वांट। तो डेफिनेटली जैसे आप चाहते हो चीज़ों को वैसे अरेंज करने की कोशिश करो, यहाँ पर गाइडेंस है। टेक चार्ज, कंट्रोल लीजिए अपने हाथ में, आप खुद ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के आपको बोला जा रहा है, आप सही टाइम का इंतज़ार ना करें, और अभी इसी वक्त आपको जो भी आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है, जो भी आपको गाइडेंस रिसीव हो रहा है, या फिर जो भी आपको चीज़ें सही लग रहा है उसके ऊपर एक्शन आप लीजिए, काम कीजिए। हो सकता है वहाँ पर आपको लग रहा है कि फेल्यूर हो जाएगा, फिर भी आपको ये तो पता चलेगा कि ये चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रहा है, आपको दूसरी कोई डायरेक्शन चूज करनी है। अगर आप जो भी इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है उस रास्ते पर अगर आप चलते हो और वहाँ पर भी आपको सक्सेस नहीं मिलता है, तो आपको लगेगा ना कि मैं गया उस रास्ते पे लेकिन सक्सेस नहीं मिला। जैसे आपको सक्सेस नहीं मिला वैसे आपको पता भी तो चला ना कि जो मैं सोच रही थी वैसा हुआ नहीं, तो मुझे यहाँ पर कुछ चेंजेस लेके आने की ज़रूरत है, कोई डायरेक्शन चूज करने की ज़रूरत है, न्यू डायरेक्शन। मॉर्निंग स्टार कीप शाइनिंग इवन व्हेन द अदर्स हैव क्विट। तो डेफिनेटली यहाँ पर एंजल यही बोल रहे हैं, जिस वक्त पे हर कोई हाल छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं, ठीक है, हल छोड़ देते हैं या फिर हार मान लेते हैं, उस वक्त पे भी आपको साइन करना है कि नहीं होगा और होगा। आपको पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्ट करनी है पॉजिटिव वे से, अगर आप इमेजिन करोगे बढ़ते जाओगे तो डिवाइन भी आपके सुन लेते हैं, आपको ब्लेस कर देते हैं। तो ये आपके लिए रीडिंग एंड गाइडेंस, होप आपको पसंद आया है, रेसोनेट किया है। सो फिलहाल डाटा टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।